स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा स्टीरियो आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म के डेफिनेशन को विद एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं बेटा कि ऐसे कंपाउंड्स टू आर मोर देन टू, आपको ऐसे कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स दिखें जिनका की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम हो, बट उसमें जो एटम्स हैं, एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट हो या एटम्स का ओरिएंटेशन डिफरेंट हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को या ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इस बात को मैं आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एक्सप्लेन करती हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पर आप फर्स्ट एग्जांपल देखें, इस सिस ब्यूटीन एंड ट्रांस ट्यूब ब्यूटीन जो है हमारे पास, इन दोनों ब्यूटीन को आप देखें यहाँ पर, तो इन दोनों ब्यूटीन को मैं अगर कहूँ कि क्या इनका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, तो आप कहेंगे यस मैम, दोनों का मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है। आप देख सकते हैं दोनों में नंबर ऑफ एटम्स कार्बन एंड हाइड्रोजन जितने इसमें है उतने ही इसमें भी है ना, तो दोनों का मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है। अब अगर आप इन दोनों के स्ट्रक्चर को कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं दोनों का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम ही है ना, दोनों का ज्योमेट्री, दोनों का शेप देखिए बिल्कुल सेम है। तो कंपाउंड, इन दोनों कंपाउंड को अगर आप देखें यहाँ पर, सिस ब्यूटुइन को और ट्रांस ब्यूटुइन को, दोनों को अगर आप देखें यहाँ पर तो दोनों का केमिकल फॉर्मूला भी सेम है, यानी कि मॉलिकुलर फॉर्मूला भी सेम है और दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम है। लेकिन यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करें तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस यहां पर आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है इससे अटैच एटम या ग्रुप ऑफ एटम के अरेंजमेंट में, इसके ओरिएंटेशन में। देखिए क्या डिफरेंस है, इस वाले में, सिस वाले में क्या है, दोनों CH3 जो है दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट पोजिशन पर है और आपके ये दोनों एच भी क्या है, दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट पोजिशन पर है। बट यहाँ पर ट्रांस वाले स्ट्रक्चर में क्या है, ट्रांस वाले में अगर आप देखें तो दोनों CH3 जो है वो एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के एंटी पोजीशन पर है ना, और दोनों एच भी क्या है, दोनों एच भी एक दूसरे के एंटी पोजीशन पर, एडजेसेंट पर नहीं है, है ना। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों जो कंपाउंड्स है हमारे एक दूसरे के क्या हो गए, ये दोनों एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर हो गए। क्यों स्टीरियो आइसोमर हो गए, क्योंकि इनका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, इनका स्ट्रक्चर भी सेम है, बट ये जो एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स लगे हैं इनका स्पेस में अरेंजमेंट या ओरिएंटेशन डिफरेंट है, इसी वजह से ये कंपाउंड्स आपके क्या कहलाएंगे, ये आपके कहलाएंगे स्टीरियो आइसोमर्स। दे आर द स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ईच अदर एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसी तरह से एक अनदर एग्जाम्पल देख लेते हैं लैक्टिक एसिड का। अगर आप यहां पर देखें तो मैंने दो लैक्टिक एसिड लिया है, एक हमारे पास डी लैक्टिक एसिड है, दूसरा एल लैक्टिक एसिड है, दोनों ही ले रखा है। अगर आप दोनों को देखें तो दोनों का मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर भी दोनों का अगर आप देखें तो बिल्कुल स्ट्रक्चर भी सेम है, बट डिफरेंस कहां पर आ रहा है, डिफरेंस देखिए, डिफरेंस यहां पर आ रहा है OH के पोजीशन पर, OH एंड एच के पोजीशन पर। अगर आप इस वाले में देखें, डी लैक्टिक एसिड में देखें, तो आपका OH कहां पर है, राइट साइड पर है, और L वाले में आपका OH कहां पर है, लेफ्ट साइड पे है। इसी तरह से H भी एक दूसरे के क्या है, अपोजिट पोजीशन पे है। तो अगर हम इन दोनों कंपाउंड्स को देखें तो इनका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, बट इसमें जो अटैच एटम या ग्रुप ऑफ एटम है उनका क्या है, उनका स्पेस में ओरिएंटेशन डिफरेंट है या हम कह सकते हैं कि उनका अरेंजमेंट डिफरेंट है, इस वजह से ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, स्टीरियो आइसोमर कहलाएंगे, या और ये फिनोमेना क्या कहलाएगी, स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहलाएगी। ठीक है, तो ये बात हो गई स्टीरियो आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म के डेफिनेशन एंड एग्जांपल की। अब आते हैं हम लोग इसके टाइप्स पर। तो अगर हम टाइप्स की बात करें तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो होता है वो आपका 3 टाइप्स होता है। फर्स्ट आपका होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल में मैं आपको बता दूं, ज्योमेट्रिकल को हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। सेकेंड है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और थर्ड है आपका कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। 11th वाले बच्चों के लिए ये सिर्फ दो ही है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, उन्हें भी सिर्फ इसका सिर्फ नेम जानना है,
बाकी ये नीट वाले बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, उनके लिए ये तीनों ही है और तीनों को ही कंप्लीट डिटेल में पढ़ना है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो ये जो थ्री टाइप्स हैं, इन थ्री टाइप्स पर सब पर मैं सेपरेट सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये अपने आप में ये तीनों ही एक बहुत बड़े बड़े टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ज्योमेट्रिकल क्या है इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो पूरा बनाऊंगी विथ पी वाई क्यूज, ऑप्टिकल क्या है इस पर अलग एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी विथ पी वाई क्यूज, एंड फिर कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या है इस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी विथ पी वाई क्यूज। तो इसे हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर वीडियोज में सेपरेट वीडियोज में अलग अलग देखेंगे। फिलहाल अभी के लिए एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि AIPMT 2005 में आया था और वो डायरेक्ट सिर्फ इसी पर टाइप्स पे बेस्ड था। आप देख सकते हैं क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसमें से कौन सा पेयर ऐसा है जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म पर डिपेंड करता है, डायरेक्ट टाइप पर बेस्ड क्वेश्चन था। आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन आपको क्या दिया है, फर्स्ट ऑप्शन आपको कह रहा है चेन आइसोमेरिज्म एंड रोटेशनल आइसोमेरिज्म। तो क्या चेन और रोटेशनल आइसोमेरिज्म जो है वो स्टीरियो, ये पेयर स्टीरियो आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट करता है, नहीं करता है। आपको पता है चेन आइसोमेरिज्म जो है वो किसका पार्ट है या किसका टाइप है, वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट है ना, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। उसी तरह से सेकंड में आपको कह रहा है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो ये भी नहीं है। थर्ड आपको कह रहा है लिंकेज एंड ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, लिंकेज एंड ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म में भी स्टीरियो, ये पेयर भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म को बिल्कुल नहीं शो करते हैं। लास्ट ऑप्शन अगर आप देखें तो इसमें कह रहा है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दे आर द टाइप्स ऑफ द स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तो डेफिनेटली यही वाला पेयर है जो किसको शो कर रहा है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म को शो कर रहा है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट यही सर यहीं से आया हुआ था AIPMT 2005 में। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, यहाँ पर बस स्टीरियो आइसोमेरिज्म के डेफिनेशन टाइप और एग्जाम्पल को हमें समझना था। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में और डिस्कस करेंगे डिटेल में ज्योमेट्रिकल और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म को। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। Have a nice day. Thank you so much.